आरआरपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न शक्ति संचरण तथा वितरण लाइनों का प्रतिरूपी विन्यास आरेख। एक सिंगल लाइन डायग्राम है विभिन्न शक्ति संचरण मतलब पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल लाइन डायग्राम है, जिसको हम समझेंगे कि किसी भी जनरेशन स्टेशन से हमारे कंज्यूमर तक कैसे पावर को पहुंचाया जाता है, कैसे पावर हमारी वहां तक पहुंचती है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जनरेटर है, ठीक है, जीएस मतलब जनरेटर, ठीक है, 11 केवी का है। यहाँ हमारा बिजली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 11 केवी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वहां पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। वहां पे हमने क्या किया, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जो पावर को 11 केवी से 132 केवी में चेंज कर दे रहा है। पावर को 11 केवी से 132 केवी में चेंज कर दे रहा है। फिर हमने वहां से एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया स्टेप अप, जो पावर को 132 से 133 केवी कर दे रहा है। मतलब 132 प्राइमरी ले रहा है और 132 सेकेंडरी आउटपुट दे रहा है, मतलब 132 इनपुट और 133 आउटपुट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक रिसीविंग स्टेशन बनाया जहां हमने पावर को रिसीव किया। कहां से रिसीव किया, जनरेटिंग स्टेशन से हमने पावर को क्या किया, आरएस मतलब रिसीविंग स्टेशन बनाया, वहां रिसीव किया। फिर हमने लाइन को आगे बढ़ाया, ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने आगे बढ़ाया। अब वहां से ही अगर किसी लार्ज कंज्यूमर को पावर चाहिए, अगर किसी लार्ज कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम रिसीविंग स्टेशन से ही उसको लार्ज कंज्यूमर मतलब वहां उसको अधिक पावर की जरूरत है, तो हमने क्या किया, रिसीविंग स्टेशन से ही हमने कंज्यूमर को दे दिया। और जो बाकी रहा हमने क्या किया, फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाया जो 132/133 के लिए था, उसको हमने लगा के स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर हमने क्या किया, सप्लाई को सब स्टेशन पे भेजा। लाइन हमारी आगे बढ़ी और आगे कहां पे, सब स्टेशन पे, ठीक है। जब सब स्टेशन पे आ गया तब फिर हमने क्या किया, मान लीजिए कि कोई मीडियम वर्ग का कंज्यूमर है जिसको पावर यहां से कम थोड़ा यूज कर चाहिए, रिक्वायरमेंट कम है, तो वो क्या करेगा, सब स्टेशन से ही सप्लाई ले लेगा। सब स्टेशन से हमने क्या किया, सप्लाई दे दिया कंज्यूमर को मीडियम, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं पीडी मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिस्टम को हम बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने क्या किया कि एक ट्रांसफार्मर लगाया स्टेप जो 11 केवी को 400 वोल्ट पे चेंज कर, 11 केवी को 400 वोल्ट पे करने के बाद लाइन को आगे बढ़ाया और हमने क्या किया, एक सब स्टेशन और लगा दिया। एक सब स्टेशन लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, कंज्यूमर को दे दिया। तो ये कंज्यूमर को दे दिया, तो यहां जो कंज्यूमर को हम दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां जो हमने दे रहे थे इस सब स्टेशन से उसको हम बोल रहे थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा एक सिस्टम है कि जनरेशन से हम कंज्यूमर तक कैसे हम बिजली को कंज्यूमर को दे रहे हैं, कैसे हम बिजली का एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम इस सिंगल लाइन डायग्राम से समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एसटी लाइन और एलटी लाइन। एसटी लाइन मतलब हाई टेंशन लाइन और एलटी मतलब लो टेंशन लाइन। क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं कि इसका जो पहला पॉइंट है कह रहा है कि 11 केवी 22 केवी 33 केवी तक के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, एसटी लाइन। मतलब 11 से 33 केवी तक के वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, एसटी लाइन मतलब हाई टेंशन लाइन होती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एसटी लाइन से सीधा लोड नहीं जुड़ा रहता है, एसटी लाइन से सीधा लोड नहीं जुड़ा रहता है, इसी कारण इसमें फॉल्ट कम आते हैं। जो एसटी लाइन होता है वो डायरेक्ट हम लोड में नहीं जोड़ देते, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, लोड में नहीं जोड़ते हैं, जिसकी वजह से एसटी लाइन में फॉल्ट कम आते हैं, जिसकी वजह से एसटी लाइन में क्या होता है, फॉल्ट कम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें दो प्रकार के इंसुलेटर यूज होते हैं, इसमें जो है दो प्रकार के इंसुलेटर यूज होते हैं। पहला इंसुलेटर कौन सा यूज होता है, पिन टाइप, और दूसरा डिस्क टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 11 केवी के लिए रैपिड कंडक्टर ACSR का प्रयोग होता है। 11 केवी के लिए हम क्या करते हैं, 11 केवी के लिए 11 केवी अगर हमें
ट्रांसमिशन करना है एसटी लाइन का है तो इसमें हम रैबिट कंडक्टर एसीएसआर का यूज करते हैं और 33 केवी के लिए हम क्या करते हैं डॉक कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एसटी लाइन को डेल्टा से डेल्टा में वितरण करते हैं। एसटी लाइन को हम किसमें वितरण करते हैं, मतलब एसटी लाइन को हम डेल्टा में कनेक्शन से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एसटी लाइन को डेल्टा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें तीन वायर की आवश्यकता होती है, इसमें तीन वायर की आवश्यकता होती है, मतलब आर वाई डी, इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, केवल थ्री फेज ही होते हैं, तीन वायर ही होते हैं आर वाई डी। नेक्स्ट क्या है कि एसटी लाइन में बड़े पावर स्टेशन से शुरू और पोल माउंटेड सब स्टेशन पर आकर समाप्त हो जाता है। जो एसटी लाइन होता है वो जनरेटिंग स्टेशन मतलब बड़े पावर स्टेशन से स्टार्ट होता है और पोल के सब स्टेशन पे आके हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, माउंटेड पोल के सब स्टेशन पे आके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम ये तो रहा कि एसटी लाइन का, अब हम देखते हैं कि एलटी लाइन क्या है। एलटी लाइन में क्या क्या है, एलटी लाइन किसको बोलते हैं कि एक केवी से अगर कम की वोल्टेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो टेंशन। ठीक है, एक केवी के कम को हम क्या बोलेंगे, लो टेंशन। ठीक है, एक केवी से कम अगर वोल्टेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो टेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एलटी लाइन सीधा लोड से जुड़ा रहता है। एलटी लाइन क्या होता है, सीधा लोड से जुड़ा रहता है, लेकिन एलटी लाइन क्या था, सीधा लोड से नहीं जुड़ा था, इसी कारण उसमें फॉल्ट नहीं आते थे, और ये सीधा लोड से जुड़ा है इसी कारण ये क्या होता है, इसमें फॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें दो प्रकार के इंसुलेटर यूज होते हैं, इसमें दो प्रकार के इंसुलेटर कौन कौन से यूज होते हैं, स्मार्ट पिन टाइप इंसुलेटर और एक शकल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, स्मॉल पिन टाइप और शकल टाइप इंसुलेटर यूज होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट कि ये इंसुलेटर ओवरहेड लाइन के लिए यूज होता है। ये सब इंसुलेटर, ये दोनों इंसुलेटर किसके लिए यूज होता है, ओवरहेड लाइन, सिरोपरी लाइनों के लिए, सिरोपरी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो कंडक्टर यूज होता है वो स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर यूज होता है। इसमें कौन सा कंडक्टर यूज होता है, स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एलटी लाइन, हाई लो टेंशन लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एसटी लाइन को स्टार में वितरण किया जाता है, एसटी लाइन को स्टार में वितरण किया जाता है, लेकिन एलटी लाइन को किसमें वितरण किया जा रहा था, डेल्टा में वितरण किया जा रहा था। एलटी लाइन को किसमें वितरण किया जा रहा था, डेल्टा में, लेकिन एसटी लाइन को डेल्टा में, एलटी लाइन को स्टार में वितरण करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें चार तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, फोर वायर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें चार तार कौन कौन से होते हैं, आर वाई बी एंड ए न्यूट्रल। ठीक है, इसमें होता है एलटी लाइन में क्या था, एलटी लाइन में तीन वायर का प्रयोग हुआ था, एलटी लाइन में तीन वायर का प्रयोग हुआ था, एसटी लाइन में, एलटी लाइन में किसने चार वायर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एलटी लाइन पोल माउंटेन से सब स्टेशन से शुरू और घरों में आकर समाप्त हो जाता है, मतलब ये पोल माउंटेन सब स्टेशन से स्टार्ट होता है और घरों में कंज्यूमर के पास समाप्त हो जाता है। ठीक है, घरों में आकर वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां पोल माउंटेन से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला जा रहा है, इसमें हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते। ये रहा आपका एलटी लाइन। ठीक है, यही इसका डिफरेंस है एसटी लाइन और एलटी लाइन समझने का। ठीक है, एलटी लाइन कौन सी होती है और एसटी लाइन कौन सी होती है, हाई टेंशन लाइन एसटी लाइन होती है। ठीक है, लो टेंशन लाइन एलटी लाइन होती है। ठीक है, 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, ये जितने भी वोल्टेज आएंगे
वो कौन से वोल्टेज आएंगे? हाई टेंशन लाइन के। और एक वोल्टेज से जितने भी कम वोल्टेज आएंगे वो कहलाते हैं एलटी लाइन, लो टेंशन लाइन। ठीक है,